कादियानियों को सिर्फ इसलिए काफिर कहता है कि वो इसे काफिर समझते हैं। शुक्र है जी आपने ये सच्ची बात लिखी कि मैं कादियानियों को काफिर समझता हूं, अभी तक तो कह रहे थे कादियानियों को काफिर नहीं समझता। अच्छा दूसरा ये आधा जुमला है, ये मैंने तालीक बिल मुहाल पेश की थी, ये कुरान में भी है। उल इन काना लिर्रहमान वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन, ऐ नबी तुम फरमाओ बिलफर्ज अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो सबसे पहले मैं उसे पूज रहा होता। तो इसका क्या मतलब है कि कुरान ये कहना चाहता है कि अल्लाह का बेटा है, इसे कहा जाता है तालीक बिल मुहाल, चूंकि वो पॉसिबल नहीं लिहाजा ये भी पॉसिबल नहीं। मैंने ये आयत कोट करके कहा था मैं भी आपके सामने एक तालीक बिल मुहाल रखता हूं कि अगर कादियानी मुझे मुसलमान समझ लें तो मैं भी उन्हें मुसलमान समझ लूंगा। जिस तरह कुरान कहता है कि अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो रसूलुल्लाह उसकी इबादत करते, तो अल्लाह का तो बेटा होना ही नहीं है, लम यलिद वलम यूलद। और फिर मैंने कहा था कि मैं इंटेलेक्चुअल जुमला बोल रहा हूं इसलिए कि ताकि आपको बताऊं कि कादियानी किस तरह भागते हैं इस जुमले से, वो मजलूम बने हुए हैं हालांकि जालिम है। हमें कहते हैं हम उनकी तकफीर करते हैं, वो हम सबकी तकफीर करते हैं। तो मैंने कहा था कि इस जुमले की आप इंटेंसिटी को समझें कि कादियानी जब मुझे मुसलमान समझेंगे तो इसका क्या मतलब है कि गुलाम अल कादियानी को वो पैगंबर नहीं मानेंगे, क्योंकि एक पैगंबर का इनकार भी सारे पैगंबरों का इनकार है। तो मैं तो गुलाम अल कादियानी को दज्जाल समझता हूं। तो अगर कादियानी मुझे कहें कि गुलाम अल कादियानी को दज्जाल मानते हुए भी आप हमारे मुसलमान भाई हैं तो इसका मतलब क्या है कि गुलाम अल कादियानी पैगंबर नहीं है। मुझे कोई आगे कहे कि मैं रसूलुल्लाह को नहीं मानता तो मुझे मुसलमान मानो, मैं कहूंगा नहीं। और इसमें मैंने कितने कादियानियों को भगाया है, हमारे स्टूडेंट्स ने भगाया है। मेरे पास 8-10 साल पहले आए कुछ कादियानी, उनके धोखे मैंने सामने जब रखे, कहते हैं आपको क्या मसला, मैंने कहा आप मुझे काफर हैं, नहीं आप मुसलमान हैं, मैंने कहा अपने मुरब्बी से लिखवा के लाओ। और मैंने उधर ही कहा था क्यामत तक नहीं आओगे, टाइम क्यामत तक है, जैसे कराची वाले मुफ्ती को टाइम दिया ना क्यामत तक के लिए, ये मुआवरतन होता है कि कभी नहीं आओगे। तो मेरी करामत है 10-11 साल हो गए वापिस नहीं आए, क्योंकि कोई मुरब्बी ये लिख के नहीं देगा, क्योंकि अगर मुझे मुसलमान मान लें तो गुलाम कादियानी को उनको मानना पड़ेगा पैगंबर नहीं, क्योंकि पैगंबर का इनकार करने से तो कोई मुसलमान नहीं रहता। तो इंटेलेक्चुअल जुमला था आधा काटा है। तो ये तालीक बिल मुहाल कुरान से मैंने पेश की। सूरह अल अराफ में आया कि उस वक्त तक काफिर और मुनाफिक जन्नत में दाखिल ही होंगे जब तक के सुई के नाके से ऊंट ना गुजर जाए। अब ये अल्लाह ताला जब मिसाल बयान कर रहा है तो अल्लाह ताला क्या सुई के नाके से ऊंट नहीं गुजार सकता, ये अरब का मुहावरा था। ये मुस्लिम में भी है कि मेरे सहाब में 12 मुनाफिक हैं 7035, वो उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक के सुई के नाके से ऊंट ना गुजर जाए, उनकी पुश्त पे दुबैला फोड़ा निकलेगा जिसकी हीट वो सीने में महसूस करके मरेंगे। और मैंने आपको नहीं बताना कि किन की मौत दुबैला फोड़े से हुई है, ये फिर बाद में मुझसे पूछते हैं, मैंने नहीं बताना। बहरहाल मैंने बताया कि ये मिसाल सूरतुल अराफ की हुजूर ने भी पेश की। अब इसके बाद कोई कहे कि कुरान ने कह दिया कि क्यामत वाले दिन सुई के नाके से ऊंट गुजरेगा और सारे काफर जन्नत में चले जाएंगे, नहीं, ये तालीक बिल मुहाल है कि जिस तरह तुम्हारे फिजिकल वर्ल्ड में ये इम्पॉसिबल है ना, इस तरह अल्लाह के यहां भी ये चीज ऐसे नहीं होगी। कभी भी काफिर अल्लाह के मुनकरीन अंबिया के मुखालफीन जन्नत में नहीं जाएंगे। लेकिन सर ये सारी इल्मी बात है, मैं आपको बताऊं, मैं आपको उलमा की तखस्सुस पीएचडी लेवल की बातें आम फहम करके समझा रहा हूं। ये इल्मी डिस्कशंस आ गई हैं मार्केट में और बिल्कुल आसान फॉर्म। हमारे मुखालफीन के लोग क्लिप देखते हैं, कहते हैं यार ये कह रहा है क्या, समझ नहीं आ रही। और मैं एक जुमला ही बोल दूं उसमें कयामत छुपी होती है। चाहे मैं प्यार से ही कह दूं कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। अच्छा जी उसके बाद है कि जी कादियानियों को यहूदों नसारा से अफजल कहता है, ओए होए होए, उन्हें बोला कि ना बोला, कई बार बोला। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा था कि इनको दावत देना उस हवाले से आसान है क्योंकि यहूदों नसारा हमारे पैगंबर को नहीं मानते, वो पैगंबर को मानते हैं उनके साथ शरीक ठहराते हैं। अब आप आ जाए मुझे बताइए, जो मुसलमान बाबों को कब्रों को पुकार रहे हैं मदद के लिए और जो बुत परस्त है, इन दोनों में से कौन बेहतर है? वैसे अहले हदीस तो कहेंगे कि बरेलवी जो है वो मुशरिकीन अरब से भी बदतर है, वैसे कह देंगे, पब्लिकली नहीं कहेंगे, उनको पता है वो लैंड के काट के तोड़े बाबिया दिए। तो जाहिर हम कहेंगे जो कलमा को मुसलमान नबी इस्लाम को मान रहा है वो उस बुत परस्त बुत से मांगने वाले से बेहतर है, इसलिए कि इसमें इस्लाह की गुंजाइश है। इसी तरीके से कादियानी
हमारे नबी इस्लाम को मानते हैं, उसके बाद उन्होंने एक झूठी नबूवत क्लेम की, नबी के साथ शिर्क किया, जिस तरह हमारे कई मुसलमान अल्लाह के साथ शरीक करके। बाप जब आप ये कहें कि अब्दुल कादर जिलानी ने रूह खोली इसराइल को लूं, और अल्लाह ताला कह रहा पीछे हूं अब्दुल कादर भी पै गया, तो ये मुझे बताए शिर्क नहीं है? हम इनको अब कहेंगे हिंदुओं से बदतर है? हम नहीं कहते, हम कहते हैं कलमा गो है यार। इसी तरीके से कादियानियों की सारी खराबियां अपनी जगह, लेकिन यहूद और नसारा की निस्बत उनको समझाना आसान है। ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, और जब मैंने किसी को काफिर कह दिया तो उसके बाद तो बाकी सारी बातें छोटी रहेगी ना। अब मैं आपको बताता हूं कि आपका क्या स्टेटस है। अहमद बरेलवी साहब ने अहकाम शरीयत में लिखा है कि वहाबी, और फिर आगे उन्होंने खुद लिखा वहाबी से मुराद उन्होंने कहा बरेलवियों के सिवा देवबंदी, अहले हदीस, रवाफिस यानी उनके नजदीक शिया और कादियानी। एक लाख दफा भी अल्लाह का नाम ले ज़बीहा मुर्दार और हराम ही रहेगा। अलबत्ता यहूदो नसारा का ज़बीहा हलाल है क्योंकि वो अहले किताब है। तो अहमद बरेलवी साहब ने अहकाम शरीयत जो उनके फतवों की किताब है, ये मलफूजात आला हजरत नहीं है, ये फतवों की उनकी किताब है। इसी के नाम पे मुफ्ती अकमल ने अपने प्रोग्राम का नाम अहकाम शरीयत रखा था क्यू टीवी पे, मेरे उस्ताद भी हैं हाफिज़हुल्लाह ताला। तो अहकाम शरीयत में आला हजरत क्या कह रहे हैं कि जो अहले हदीस हैं, देवबंद हैं और शिया हैं, और कादियानी काफरों को भी इसके साथ शुमार करके कहा कि इनका ज़बीहा तो हराम है, और लिखा ये मुर्तद हैं, ये भी लिखा यानी वाजिबुल कतल, और यहूदो नसारा बेहतर। तो इसको तो आप छोड़ें, आप अपनी फिक्र करें, ये उलमाए देवबंद आपको आला हजरत ने यहूदो नसारा से भी बदतर लिखा है। हाँ, आप अपनी फिक्र करें, जो पंजाबी के अंदर अपनी मर्जी तले डांग फिर।